नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा की ईश्वरीय स्वरूप माँ स्कंद माता का पूजन होता है। आज अपनी संतान को उनका महत्व बताने हेतु यह विशेष संवाद ध्यान करें। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी संतान से कहें, मेरे बच्चे तुम जानते हो एक बार तारकासुर नामक राक्षस ने धरती आकाश सभी पर बड़ा आतंक कर दिया और उसका नाश सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही हो सकता था। तब माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण कर स्कंद कुमार को जन्म दिया और उन्होंने उस असुर का नाश कर दिया। मेरे बच्चे यह पौराणिक कथा है, पर माँ का क्या यौगिक स्वरूप है, तुम्हें उनसे क्या सीखना चाहिए, वह मैं आज तुम्हें ध्यान के द्वारा समझाती हूँ। तुम अपनी प्यारी सी आंखें बंद कर लो और मेरे निर्देश अनुसार माँ का ध्यान करने की कोशिश करो। माँ स्कंद माता मोक्ष के द्वार खोलने वाली परम सुखदाई है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। माँ अपने बच्चों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करती है। माँ सिंह पर सवार, हाथों में कमल लिए, गोद में भगवान कार्तिकेय को ले रखा है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है, जो भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं। मेरे बच्चे भगवान शिव अर्थात सच्चा ज्ञान जो हमें शांति शीतलता और स्थिरता देता है, माँ पार्वती शक्ति की दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी होता है। माँ स्कंद माता ज्ञान और कर्म शक्ति की अधिष्ठात्री है, अर्थात जो आज तक सब अच्छी बातें आदर्श मैं तुम्हें सिखा रही हूँ उसको तुम्हें अपने जीवन में धारण करना होगा, तभी तुम माँ स्कंद माता के स्वरूप को समझ पाओगे। क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनने से कोई लाभ नहीं, अपने जीवन में अपना कर ही हमें उसकी शक्ति का एहसास होता है। हमारा चाहे जीवन में एक ही संकल्प क्यों ना हो, परंतु अगर उसे हम मन वचन कर्म से अपनाते हैं तो वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। माँ का ये रूप हमें यही बात सिखाता है। अपने भक्तों को तभी माँ अनुदान प्रदान करती है। तुम जानते हो इस बात को महर्षि पतंजलि भी अपने योग सूत्र में बड़े अच्छे से समझाते हैं। दूसरे पद के 35वें सूत्र में कहा गया है, यदि सिर्फ हम मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करेंगे तो हमारे भीतर से शत्रुता का नाश हो जाएगा, और तो और आसपास यदि कोई बड़े हिंसक पशु भी होंगे तो भी वे मित्र बन जाएंगे। मेरे बच्चे यह सब मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि तुम भी बड़े होकर अपने लिए कोई आदर्श चुनना, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करना, तभी तुम्हें भी भगवान शिव और माँ पार्वती जी के पुत्र के समान अनेक सिद्धियाँ मिलेगी और माँ स्कंद माता का विशेष प्रेम मिलेगा। आओ माँ से हम यही बल मांगे, यही सामर्थ्य मांगे, इसके लिए मेरे साथ साथ तुम प्रार्थना करो। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।